चले, मैं आप लोगों से एक ही डिज़ाइन, दो मैंने जो बेबी की फ्रॉक बनाई थी, आप लोगों से डिज़ाइन शेयर करती जाऊँ। ये पहला डिज़ाइन है जो कि मैंने पहले वीडियो पर डाली है, आप उसमें देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। और ये देखें, ये इस तरह की फ्रॉक है, और यहाँ पर मैंने हल्के हल्के से छोटा जो बच्चा कपड़ा होता है वो साइडों में से लेकर यहाँ पर भी मैंने एक टुकड़ा डाला है बीच में से, और इसमें यहाँ से मैंने बोल लगा दी, यहाँ बीच में मैंने इलास्टिक लगाई है जो इजीली मार्केट में मिल जाती है, और यहाँ स्लीव से भी मैंने वहाँ इलास्टिक लगाई है, यहाँ बो टाक दिया, उसके ऊपर एक थोड़ा सा बीट्स लगा दिया, और पीछे इसके पीछे के साइड से भी यही इस तरह की मैंने इलास्टिक लगा दी, और पीछे के साइड में मैंने सादा कपड़ा ट्राउज़र का जो बचा हुआ था वो डाल दिया, और ये इस तरह है, और इस तरह है। ये देखें, मैं आपको फुल डिटेल के साथ बता रही हूँ ताकि आप आसानी से इजीली अपने बच्चों के लिए बना सकें। और यहाँ से भी मैंने साइड में से जो कि कमीज़ का कपड़ा था बचा हुआ, मैंने वो इस कैपरी में डाला, और एक अच्छी खूबसूरत सी कैपरी भी बना दी हुई है, कि बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रही है। आप लोग देखें कितना प्यारी लग रही है, आप ये बच्चों अपने बच्चों के लिए ईजिली ये बना सकती हैं अपने घरों में आसानी से, जो कपड़ा बच जाता है हमारे वो उस तरह में। और अभी मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था आपके साथ, कि इस तरह मैंने बनाई है। ये ट्राउज़र का इसका कपड़ा है, और इसकी ये शर्ट का कपड़ा है, ये दोनों मैंने आपस में अटैच करके, और इस तरह का मैंने एक न्यू लुक डिज़ाइन बना दिया। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये साइड में बीच में मैंने पट्टी लगाई है, पट्टी के साथ में मैंने छोटे से संबोसे बना के लगा दी, और ये इस तरह मैंने अप एंड डाउन है, इसके आगे से ऊपर है ऊँचा है, और पीछे से इसका डाउन ऊपर है और नीचे है, तो देखिए अप एंड डाउन का लुक दे रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इसका कैपरी है, और ये इस तरह का मैंने ट्राउज़र डाला है, क्योंकि इसका कपड़ा ये देखें, यहाँ नीचे मैंने ये कपड़ा डाल दिया, और ये भी यहाँ पे मैंने प्लेनटेक्स डाले हैं, आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये प्लेनटेक्स, यहाँ पे मैंने डाल के एक स्टाइलिश लुक, ये गरारे की तरह एक तरह का लुक दे रहा हो, और ये देखें ये इसका इस तरह का लुक दे रहा है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप भी बच्चे हुए कपड़ों से ईजिली अपने बच्चों के लिए कपड़े बना सकते हैं, ये देखें ईज़िली अपने बच्चों के लिए कपड़े बना सकते हैं। और ये दूसरा सूट जो कि देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं आप लोगों से आप भी अपने बच्चों के लिए इजीली ये कपड़े बना सकती हैं घर में बआसानी है, आप अपने बच्चों को कपड़े ये तैयार करके दें, कितने खूबसूरत लगते हैं घर में, और ये गर्मी में बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, कोई पसंद नहीं हो कि बच्चे तंग होते हैं गर्मी में ख़ासतौर में। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। आप मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप मेरी वीडियो इसी तरह वॉच करते रहें ताकि मैं हर आने वाली वीडियो में मैं आपको एक नई टेक्निक और एक नया तरीका बता दूं कि किस तरीके से आप बच्चों के कपड़े बनाएं। मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी ही शेयर करूंगी, अब जो भी कोई न्यू फ्रॉक मैं बनाऊंगी उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। और देखें ये कितना खूबसूरत लुक दे रही है, ताकि आप ये भी देखें कि किस तरह मैं बनाती हूँ, साइड में से जो कपड़े बचते हैं लेडीज़ के बच्चों के भी न्यू कपड़े बन जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए छोटे बच्चों को। ये तकरीबन 3 से 4 साल की बेबी के लिए आसानी से पहन सकती है, और ये भी 3 से 4 साल की बेबी आसानी से पहन सकती है। आप भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह बनाए और मुझे, अब मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।